हमें फिजा और मेरा रोल नंबर है 183। मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुलिंग एंड हेरेसमेंट। बुलिंग, सबसे पहले जो बुलिंग होती है वो फिजिकली, जो बुली होती है उसमें हम फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं अपने टारगेट को, और साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी, पर ज्यादातर इसमें जो होता है वो फिजिकली होता है, और अगर खास तौर पर अगर मेल मेल हो तो। और जो दूसरी साइड पे जो हरेसमेंट है, हरेसमेंट में हम फिजिकली टॉर्चर नहीं करते, साइकोलॉजिकली टॉर्चर, साइकोलॉजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। इसमें हम जो हमारा टारगेट होता है उसकी पर्सनल स्पेस में जाके उसको पोजेशन करते हैं, उसकी जो वर्क प्लेस होती है उसको डैमेज डैमेज करते हैं, उस डैमेज करते हैं और उसकी पर्सनल स्पेस में इंक्लूड हो जाते हैं और उसको हरेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट पॉइंट है कि इसमें जो हमारा टारगेट, जो पर्सन होता है ना, वो अपने टारगेट के जो उसके हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसको टारगेट करता है, कि उसको कहता है कि तुम्हारे उसके उसके कम्पिटेंस के बारे में उसको बोलता है, और उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में, उसकी ईमानदारी और दयानतदारी के बारे में, कि वो कैसा है, वो कैसा नहीं है, और उसके मुताबिक उसको बुली करता है। और जो नेक्स्ट हरेसमेंट में नेक्स्ट है, हरेसमेंट में भी ऐसा है कि वो हरेसमेंट में जो होता है उसके आउटपुट, जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसके बारे में टारगेट करता है, जैसे कि उसका जेंडर हो गया, रेसिज्म हो गया, और डिसेबिलिटी अगर कोई उसमें है तो उसको टारगेट करेगा, उसके बारे में उसमें बातें करेगा। थर्ड पॉइंट है कि जो बुली करने वाला होता है वो नहीं चाहता कि वो उस मेरे टारगेट को पता चले कि हाँ मैं उसको बुली कर रहा हूँ। और हरेसमेंट में ऐसा नहीं है, हरेसमेंट में जो हरेस करने वाला होता है वो चाहता है कि मेरा जो टारगेट है उसे पता चले कि उसको हरेस किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि बुली इस वजह से कि बुली करने वाला इस वजह से बुली करता है सामने वाले बंदे को, कि वो उससे जो कम्पिटेंस में वो आगे निकल सके अपने टारगेट से। जो उसकी आपस में कोई क्लैश वगैरह हो रहा है उससे, उसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, और उस कम्पिटेंस से वो उससे आगे निकल सके। फोर्थ हरेसमेंट में है, वो हरेसमेंट में इस वजह से हरेस करता है अपने सामने अपने टारगेट को, कि वो उसे डोमिनेट दिखा सके, अपनी दिखा सके कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा रुतबे में या फिर कोई भी चीज में डोमेन हूँ। लास्ट पॉइंट है बुलिंग बुलिंग का, और वह के जो बुलिंग करने वाले हैं ना, वो बुलिंग जो होती है बड़ी सेप्टल होती है, मतलब कि वाजिया नहीं होती है एकदम, उसमें इमिडिएटली या समझ नहीं आता कि हाँ कि ये जो एक्ट हो रहा है ये बुलिंग की जा रही है। लास्ट पॉइंट हरेसमेंट का है कि इसमें जो हरेसमेंट में जो हरेसमेंट करने वाला जो होता है ना, हरेसमेंट जो होती है ना, वो पता चल जाता है कि हाँ जो जिस बंदे को टारगेट किया जा रहा है ना, पता चल जाता है इस बंदे को टारगेट किया जा रहा है और ये हरेस हो रहा है। मैम बस मेरा यही टॉपिक। मरियम एंड माई रोल नंबर इज 601। माई टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बुलिंग। फर्स्ट वन है वर्बल बुलिंग। द डेफिनेशन ऑफ वर्बल बुलिंग इज व्हेन एन इंडिविजुअल यूज वर्बल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इंसल्ट, टीसिंग टू गेन पावर ओवर हिज और हर पीयर्स। इसमें हम जो बुलिंग करने वाला होता है वो मतलब बुरी तरह की लैंग्वेज यूज करता है दूसरे बंदे को टीस करने के लिए, बुरा बुरा कहने के लिए, जैसे उसकी हाइट के बारे में, उसे छोटे कद के बारे में लोग बुरा कहते हैं, या कोई मोटा होता है तो उसको कहते हैं, या फिर उसके कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, जेंडर के बारे में, इसमें रेसिज्म भी आ जाता है। नेक्स्ट वन है फिजिकल बुलिंग। फिजिकल बुलिंग में हम हीटिंग करते हैं एक पर्सन को, या फिर हर्टिंग करते हैं किसी को, मतलब किसी की चीजें छुपा लेते हैं या धमकाते हैं, इसमें ये आ सकता है। नेक्स्ट वन है सोशल बुलिंग। सोशल बुलिंग में आता है, सोशल बुलिंग को हम कवर्ट रेशनल बुलिंग भी कहते हैं। इसमें जो है सोशली हार्ट किया जाता है किसी पर्सन को, जैसे इसमें लाइंग आ जाता है, फेक रूमर स्प्रेडिंग, गॉसिपिंग आ जाती है, लीविंग समवन आउट कॉन्स्टेंटली एंड इनकरेजिंग अदर्स टू डू सेम, सोशली एक्सक्लूडिंग समवन ऑनलाइन, साइबर बुलिंग भी इसमें आ जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं एक दूसरे पे पास करना। नेक्स्ट वन है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग को हम ऑनलाइन बुलिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन बुलिंग भी कहते हैं इसको। इसमें साइबर हरासमेंट भी आ जाता है, जैसे किसी एक पर्सन को हम ऑनलाइन बुलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे हम उसकी पिक्स अपलोड कर देते हैं,
या उसको मेल और टैक्स और मेल पे हम उसे डराते हैं, धमकाते हैं। इसकी जो एग्जांपल है उसमें आ जाता है, सर्निंग मीन्स टेक्स्ट टू एमएमएस टू समवन, प्रैंकिंग समवन सेलफोन्स, हैकिंग इनटू समवन गेमिंग और सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, बीइंग रूड और मीन टू समवन इन एन ऑनलाइन गेम, स्प्रेडिंग सीक्रेट्स और रमर्स अबाउट पीपल ऑनलाइन, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, टू स्प्रेडिंग हार्टफुल मैसेजेस। मैम यही तक था मेरा। मेरा रोल नंबर इज 182। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब टाइप्स ऑफ हरासमेंट। फर्स्ट 6 जो है वो मैं करूँगी और नेक्स्ट 5 जो है वो अस्का करेगी। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट। ये डिस्क्रिमिनेटरी जो वर्ड है ये डिस्क्रिमिनेशन से निकला है, जिसका मतलब है फ़र्क करना। और इस हरासमेंट में इस तरह होता है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होते, वहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में जो रेस है उसको डिस्कस किया जाता है कि जो सुपीरियर हैं वो जो इंफीरियर्स हैं उनको बुरा समझते हैं और उनको जो है हरास करते हैं किसी भी तरीके से। जैसे कुछ टाइम पहले ब्लैक लाइव मैटर का एक इशू चला था, उसमें भी यही था कि जो सुपीरियर थे वो इंफीरियर को, जो ब्लैक थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे और उनको जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विक्टम बनाया अपना। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट की नेक्स्ट आगे कुछ और टाइप्स भी हैं, जिसमें सबसे पहली है रेशियल हरासमेंट। इसमें क्या होता है, अ विक्टिम में एक्सपीरियंस रेशियल हरासमेंट बिकॉज ऑफ देयर रेस रेस स्किन कलर ओरिजिन कंट्री और सिटीजनशिप। कि इसमें जो है इंसान की अपनी जो है उसकी स्पेसिफिकेशन, जैसे स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, अपने कलर बेस पे जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है और उसको इंसल्ट किया जाता है, उस पर जोक्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये हमारे रेशियल हरासमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिलीजियस हरासमेंट। रिलीजियस हरासमेंट इज ऑफन इंटरकनेक्टेड विद द रेशियल हरासमेंट बट नैरोज इन स्पेसिफिकली ऑन द विक्टिम रिलीजन रिलीजियस बिलीफ। कि इसमें एक पर्सन के जो रिलीजन है उसको टारगेट किया जाता है कि वो किस मतलब अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो उसको उस तरीके से जो है उसको हरेस किया जाता है, उसका ग्रुपिंग में उसका जो है मजाक बनाया जाता है या उसको उस पर प्रेशर डाला जाता है उसके रिलीजन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल हरेसमेंट। पर्सनल हरेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क प्लेस हरेसमेंट दैट्स नॉट बेस्ड ऑन वन ऑफ द प्रोटेक्टेड क्लासेस सच एज रेस, जेंडर और रिलीजियस। सिंपली इट्स बुलिंग इन इट्स मोस्ट बेसिक एंड इट्स नॉट इलीगल बट कैन बी डैमेजेबल। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल को जो है हम टारगेट करते हैं, कोई भी जो सुपीरियर है वो किसी इंफीरियर को जो है टारगेट करता है उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर। जैसे कि अब हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे जो है अक्सर बाहर जो है वो कूड़ा लेने के लिए जब आते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा अक्सर लोग इस तरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब हरेस करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा कमतर समझा जाता है, क्योंकि वो कूड़ा उठाते हैं सिर्फ इस वजह से। उनको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और उनको जो है मतलब बहुत अजीब अजीब से उनके ऊपर जो है वो कमेंट्स पास किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल हरेसमेंट। फिजिकल हरेसमेंट ऑल्सो ऑफन कॉल्ड वर्क प्लेस वॉयलेंस रेफर टू अ टाइप ऑफ वर्क प्लेस हरेसमेंट दैट इन्वॉल्व फिजिकल अटैक्स और थ्रेट्स। कि इसमें किसी पर्सन की जो फिजिकल अपेयरेंस है उसको अटैक किया जाता है, उसको हरेस किया जाता है। कि मतलब इसमें बिहेवियर इंक्लूड होता है या मतलब आपने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है या आप कहाँ उठ बैठ रहे हैं, इस चीज़ को जो है काफ़ी टारगेट किया जाता है आपके सुपीरियर्स की तरफ से। नेक्स्ट है हमारे पास पावर हरेसमेंट। पावर हरेसमेंट इज कॉमन फॉर्म ऑफ वर्क प्लेस हरेसमेंट दैट करेक्टराइज बाय अ पावर डिस्पैरिटी बिटवीन द हरेसर एंड द हरेस्ड। इसमें क्या होता है कि जिस बंदे के पास पावर होती है या जो सुपीरियर होता है वो अपने से जो कमतर लोग होते हैं उनको हरास करता है। जैसे एक कोई बॉस है तो वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको हरास करता है सिर्फ इस बेस पे कि उसके पास पावर है और वो उसके जो एम्प्लॉयज हैं उसको कुछ कह नहीं सकता, इसलिए उनको वो टारगेट करता है। अजीब मतलब उनको ऐसी डिमांड उनके सामने रख देता है जो वो पूरी नहीं कर सकते या उनकी पर्सनल लाइफ को जो है वो सबके बीच में आकर डिस्कस करने बैठ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल हरासमेंट। साइकोलॉजिकल हरासमेंट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। विक्टिम ऑफ साइकोलॉजिकल हरासमेंट ऑफन फील पुट डाउन एंड बी लिटल ऑन अ पर्सनल लेवल और पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल और बोथ। इसमें साइकोलॉजिकल हरासमेंट में क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो इंफीरियर के साइकोलॉजिकल जो उसके
सिचुएशन है उसके उस पर अटैक करता है, उसके साथ मतलब खेलने की कोशिश करता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है एक इंसान को कि उसकी जो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है वो मतलब इफेक्ट हो या वो खराब हो। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर बुलिंग या ऑनलाइन बुलिंग हरासमेंट। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अपील टू यंगर एम्प्लॉयज एंड रीप द बेनिफिट ऑफ डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड। इसमें साइबर बुलिंग में ये आता है कि आप ऑनलाइन किसी को अगर आपका किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है या बिना किसी दुश्मनी के भी अक्सर लोग इसे एज अ फन के लिए भी इस तरह करते हैं कि जो उनके इंफीरियर होते हैं या उनके जो कह सकते हैं हम कि जो उनके क्लाइंट्स वगैरह या उनके फेलोज वगैरह होते हैं उनको वो बदनाम करने के लिए या उनको वैसे टॉर्चर करने के लिए जो उनको ऑनलाइन जो है वो हरास करते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है और अगर थोड़ी सी बात भी हो तो वो बहुत जल्दी आगे फैल जाती है। इसलिए कुछ लोग इस चीज़ का भी जो है वो सहारा लेते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए ऑनलाइन साइबर बुलिंग जो है वो करते हैं। थैंक यू मैम, बस इतना ही था मेरा। काली, रोल नंबर 6045 एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हरासमेंट। 6 टाइप ऑफ हरासमेंट है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब है रिवेंज लेना, काउंटर बैक करना, एक्शन टेकन इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अपने किसी एम्प्लॉय के खिलाफ फाइल कंप्लेंट फाइल करता है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉय अपने खिलाफ कंप्लेन होने की वजह से जो है रिटेलिएट करता है, उसको एम्प्लॉय को विक्टिम को थ्रेट करता है, उसको पनिश करता है ताकि वो नेक्स्ट ऐसा कोई उसके खिलाफ स्टेप ना ले और उसे वार्न करता है कि वो इससे पीछे हट जाए, और धमकी देता है जॉब से फायर करने की या उसके जो है वो ट्रांसफर करने की। ये है रिटेलिएशन। नेक्स्ट वन इज सेक्चुअल हरासमेंट। सेक्चुअल हरासमेंट is any form of unwelcome sexual behavior that's offensive and humiliating. It can be verbal or physical. जैसे एक पर्सन अनइनवाइटेड और अनवेलकम जो है बिहेवियर शो करता है, सेक्सुअल नेचर टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है एक पर्सन की तरफ जो उस पर्सन की मर्जी के खिलाफ जिसमें उसकी विल ना हो। ये दो टाइप के हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकता है और ये फिजिकल भी हो सकता है। वर्बल में आ जाता है जैसे बॉडी पे कमेंट करना या डबल मीनिंग बातें करना जिससे नेक्स्ट पर्सन जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, और नॉन वर्बल में आ जाता है किसी को बुरे तरीके से देखना या गेस्चर ऐसा शो करना जिससे अगला पर्सन जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। फिजिकल में आ जाता है इनप्रोप्रिएट टचिंग। और नेक्स्ट वन इज क्विड प्रो क्वो। इसका मतलब है कि मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, कि एक पर्सन किसी को फेवर देता है किसी चीज के बदले में। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह लेंगे कि कोई एक पावरफुल जो शख्स है, पावरफुल पर्सन, वो किसी से कोई सेक्सुअल डिमांड करता है या सेक्सुअल फेवर चाहता है, उसके बदले में जॉब ऑफर करता है या उसे कहता है कि मैं आपको प्रमोट कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्टी हरासमेंट। थर्ड पार्टी हरासमेंट होता है कि इसमें एम्प्लॉय को उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हरास करता है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता, वो कोई आउटसाइडर होता है। यानी जैसे एम्प्लॉय डील करते हैं अपने कस्टमर्स क्लाइंट्स वगैरह से, उनमें से कोई होता है जो उसे हरास करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट वन इज वर्बल हरासमेंट। वर्बल हरासमेंट मतलब किसको क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट करना, अब्यूज करना, उसे टॉर्चर करना, बातें ऐसी करके जिससे उसकी सेल्फ स्टीम लो हो। वर्बल अब्यूज होता है वो मेंटली और इमोशनली दोनों तरह एक शख्स के लिए डैमेजिंग हो सकता है, यानी किसी शख्स का मजाक उड़ाना, उसे यूजलेस फील करवाना। जी मैम, मेरा इतना ही था, थैंक यू मैम। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड मेंटल हेल्थ। तो जैसे मेरे मेंबर्स ने ऊपर बताया कि हैरेसमेंट और बुलिंग जो होती है वो किस तरह, उसकी क्या क्या फॉर्म होती है, इसी तरह ये हमारे मेरा टॉपिक है कि ये हमारे साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट करती है। पहले जो बंदा हैरेसमेंट या बुलिंग का विक्टिम होता है उसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर हायर लेवल एंजाइटी अपीयर होती है, उसके बाद उसके अंदर पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो बिल्ड हुआ होता है या फिर जो बिल्ड होना होता है किसी वर्क प्लेस पर जाके वो बिल्कुल लोअर लेवल पर चला जाता है।
और इसमें जो ये कोई जेंडर इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि अगर सिर्फ मेल्स है हो सकते हैं या बुली हो सकते हैं या फीमेल हो सकती हैं. इसमें जो बोथ जेंडर है वो बुली होते हैं या हैरस होते हैं, और ये हर साल हमारी पूरी वर्ल्ड में ये ऐसा एक इशू है जो पूरी वर्ल्ड में हर साल एक बड़ी मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो फेस करती है. इस लोगों को वो अपने आप को कर्ज करना शुरू कर देते हैं कि शायद उनको इस इंस्टीट्यूट में आने नहीं चाहिए था, या फिर इस तरह के वो इस इंस्टीट्यूट के लिए ठीक नहीं है, या फिर जो उनके अंदर उनका सेल्फ इस्टीम होती है वो लो होना शुरू हो जाती है. वो हर चीज़ के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं. उसके बाद उनकी जो अर्ली लाइफ होती है उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्बेंस आ जाती है. वो जो डेली लाइफ अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके अंदर उस चीज़ के लिए बिल्कुल इनटॉलरेंट हो जाते हैं. उनका जो बिहेवियर होता है अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, स्ट्रेंज हो जाता है. उसके बाद वो अपना जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है उसको मेनटेन नहीं रख पाते. और इसके लिए ये बाज़ का जो ये ज़िंदगी में लोगों के साथ एक बार होता है, लेकिन बार बार कुछ लोगों के साथ ये रिपीटेडली ये चीज़ हुए जाती है. उसके बाद इसमें जो ज्यादातर विक्टिम्स होते हैं जो अपने इस मसले के बारे में बात नहीं कर पाते वो एडल्ट होते हैं, या फिर जो बिल्कुल टीनेजर्स कह सकते हैं, या फिर वो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं वो होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बुली से या हैरेसमेंट की ठीक से पता नहीं होता कि वो इस चीज़ के बारे में किससे बात करें. और वो उनके लिए ये हो जाता है कि वो अपना जो होमवर्क होता है या अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, उठना बैठना, और ये सब चीज़ों में अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं पूरे तरीके से, और उन्हें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहती. उसके बाद ये हो जाता है कि जो कोई भी है तो वो अपना जो गोल लेकर किसी इंस्टीट्यूट में गया होगा, यानी अगर कोई स्कूल गोइंग है तो वो अगर स्कूल में गया होगा कि वो फर्स्ट पोजीशन लेगा. अगर वो हैरस हो रहा है या बुली हो रहा है तो इसके साथ ये होगा कि वो अपना ये जो एक गोल होगा इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देगा, और वो बिल्कुल उस चीज़ के बारे में ध्यान देगा कि अगर वो हैरस हो रहा है तो वो सारा दिन उस चीज़ के बारे में सोचता रहेगा. अगर वो कॉलेज गोइंग है तो वो अगर वहाँ पर स्कॉलरशिप का एक लेकर गया ख्वाब तो वो भी उस चीज़ को भी छोड़ देगा और वो इस चीज़ के बारे में सोचता रहेगा. इसी तरह जो लोग बिल्कुल अपना अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं और वो अगर हैरेसमेंट का शिकार हों तो वो अपने गोल से बिल्कुल हट जाते हैं, और या फिर वो हर वक्त डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली. उसके बाद हमारे पास आता है कि इससे निपटने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम यूज़ करें या हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूट को लेकर या कहाँ पर. तो उसमें पहले पांच हमारे पास होती हैं. उसमें जो फर्स्ट वाली है वो है क्लियर कट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी. इसमें ये होता है कि आप नो मैटर कि अगर कोई बंदा एक दफ़ा बुली हुआ है या एक दफ़ा हैरस हुआ है तो उसको फिर भी इस चीज़ को इसके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको इस चीज़ को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए या अप्लाई करनी चाहिए. उसको पहली बार में ही इस तरह से उस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए कि उसमें आपकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो शो हो. यानी कि इसमें ये चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि अभी बिल्कुल एक पहली बार ये हुआ है तो हम अगली बार करने का इंतज़ार कर लेते हैं, या हो सकता है इस बार गलत हुआ हो, गलत फहमी से यह सब कुछ हुआ हो, लेकिन इस चीज़ को लेकर पहली बार में ही कोई ना कोई स्टेप आपको ले लेना चाहिए. सेकंड हमारे पास ट्रेनिंग है कि अगर आपके जो हमारे पास जो लोग होते हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए. उनको पहले तो बुलिंग की या हैरेसमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन से अवेयर कराना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो उनको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो बुलिंग में या हैरेसमेंट में इंक्लूड होती हैं, या उनके साथ क्या हो तो उनको कौन से स्टेप्स करने चाहिए. उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हर जगह इस चीज़ के बारे में एक बिल पोस्टर्स लगने चाहिए जिनके बारे में इस चीज़ को लेकर एक उनकी हैरेसमेंट या बुलिंग के बारे में जो सज़ाएं हैं या हमारे लॉ में जो उन चीज़ों के खिलाफ जो लॉ बना हुआ है उनके खिलाफ जितनी एक्ट बने हुए कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं वो सारा कुछ उस पर लिखा होना चाहिए ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो. थर्ड पे जो सुपरवाइजर्स हैं या वहाँ पर मैनेजर्स हैं या स्कूल्स में प्रिंसिपल वगैरह जो हैं उन लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो
अगर उनके वहाँ पर इंस्टीट्यूट में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होगा तो उस चीज को किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है या उन सब चीजों को किस तरह से उन्होंने डील करना है। उसके बाद एक ऐसा बेटा कल्चर, एक ऐसा कल्चर हमें डेवलप कर अपने इंस्टीट्यूट में डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं या वहाँ पर जो मेंबर्स हैं दूसरे, वो इस चीज को अगर देखें तो इस चीज को फौरन रिपोर्ट करें। और अगर और दूसरी बात कि वहाँ पर लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि पहली बात तो वो किसी को हैरस ना करें, ना होने दें। तो उसके बाद एक वहाँ पर एक सिक्योर माहौल होना चाहिए जो लोगों को एक सिक्योरिटी का दे, कि वहाँ पर एक ग्रुप के शक्ल में एक इस तरह का लोगों के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। यानी जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होगा वहाँ पर इसके साथ हैरेसमेंट और बुलिंग के साथ जो मेंटल एलिमेंट्स हैं वो भी अकर हो सकती हैं। तो 5 वाला हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग। और इसके बाद अगर कोई भी इस चीज़ का विक्टिम है बुलिंग का या हैरेसमेंट का, तो उसके अंदर ये चीज लाजमी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस चीज को किस तरह से रिपोर्ट करे, यानी कि वो अपने इंस्टीट्यूट के कौन से मैनेजर को जाकर या कौन से सुपरवाइजर को जाकर इस चीज की रिपोर्ट करे, या फिर वो उसके उस कंट्री में या एक जो रीजन है वहां पर कौन सी इस तरह का एक्ट बना हुआ है जिसके जिसको इम्प्लीमेंट कर सकता है वो, या फिर वो जाकर पुलिस के पास रिपोर्ट करे या कुछ इस तरीके का। तो हर 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 किसी के पास ये वाला लाजमी एक पंपलेट की शक्ल में बेशक हो या इस तरह का, कि लोगों को सारा प्रोसीजर वो वेल अवेयर हो उस प्रोसीजर को लेकर के कौन सा प्रोसीजर है जो इम्प्लीमेंट करेंगे या अप्लाई करेंगे या उसको रिपोर्ट करेंगे तो उनको एक सिक्योर या एक सिक्योरिटी मिलेगी। थैंक यू मैम, बस मेरा यहाँ तक बारे में कि बुलिंग होती क्या और हैरेसमेंट क्या होती है। बुलिंग इज अनवांटेड अग्रेसिव बिहेवियर अमंग स्कूल एज चिल्ड्रन दैट इन्वॉल्व्स अ रियल और परसीव्ड इंपावर ऑफ बैलेंस द बिहेवियर इज रिपीटेड और हैज द पोटेंशियल टू बी रिपीटेड ओवर द टाइम। बुलिंग ये होती है कि आपका कोई भी अग्रेसिव स्कूल लेवल पर ज़्यादातर ये शो होती है चिल्ड्रंस के दरमियान के वहाँ पर जो पावर है उसका इम्बेलेंस किया जाता है, क्योंकि ये बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा होता है। और एक दूसरे को स्कूल लेवल पर जब हम एक दूसरे को अग्रेसिव बिहेवियर शो कराते हैं या तंग कर रहे होते हैं जिसे उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो वो बुलिंग के अंदर आता है। बोथ किड्स हु आर बुल्ड एंड हु बुली अदर्स मे हैव सीरियस लास्टिंग प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड बुलिंग द बिहेवियर मस्ट बी अग्रेसिव एंड इंक्लूड एन इम्बेलेंस ऑफ पावर एंड रेपुटेशन। दो चीज़ें इसमें हो रही होती हैं कि एक पावर का जो इम्बेलेंस हो रहा होता है और बार बार रेपुटेशन हो रही होती है। जो किसी बच्चे को बुली कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इस अपनी पावर शो करवा रहे होते हैं या फिर जो स्ट्रेंथ में होते हैं, ठीक है, वो उस बच्चे को पावर शो करवा देते हैं जो पावर में नहीं होता और उसको बुली कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बार बार भी हो सकती है और एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है, क्योंकि जो बुली हो रहा होता है वो उसको अपनी स्ट्रेंथ और पावर शो करवानी होती है। दो चीज़ें होती हैं, इम्बेलेंस ऑफ पावर और रेपुटेशन बुलिंग के अंदर बार बार हो रही होती हैं। और दूसरी है कि हैरेसमेंट क्या है। हैरेसमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट इंक्लूड्स एन अनवांटेड फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट ऑफेंड्स और ह्यूमिलेट्स यू। जनरली हैरेसमेंट इज अ बिहेवियर दैट प्रिसिस्ट ओवर टाइम। सीरियस वन टाइम इंसिडेंट्स आल्सो कैन समटाइम्स बी कंसिडर्ड हैरेसमेंट। हैरेसमेंट ये एक डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म है। इसमें भी बाज़ का आपके साथ ऐसा बिहेवियर शो करवा रहे होते हैं जिसे आप ऐसा बिहेवियर शो करवा रहे होते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अनवांटेड फिजिकल बिहेवियर्स हो जाते हैं जिसे आप वर्बली भी किसी को ऑफेंड कर रहे होते हैं या ह्यूमिलिएट्स कर रहे होते हैं फिजिकली तौर पर भी। हैरेसमेंट कब होती है, जब makes unwelcome remarks or jokes about your race, religion, sex, age, disability or any other of the ground discrimination, ठीक है। इसमें हैरेसमेंट तब आकर होती है जब आप किसी पर जोक्स वगैरह बना रहे होते हैं उसकी एज के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में, या वो दिखता कैसा है, या इसमें कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में। और अगेन मेकिंग अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट विद यू आर टचिंग और पेटिंग और पिचिंग दम। बाज़ ये होता है कि बहुत से ऑफिस लेवल पे भी हैरेसमेंट अकर हो रही होती है किसी को फिजिकली कॉन्टैक्ट या टच करने की या उसे फिजिकली तो